माथुर क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने डीसी मोटर का वर्गीकरण पढ़ा था, अब अपन डीसी मोटर का स्टार्टर के बारे में पढ़ेंगे। डीसी मोटर स्टार्टर। अब डीसी मोटर में स्टार्टर क्यों काम में लेते हैं, तो क्या होता है डीसी मोटर में, क्या होता है कि स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ जो होता है वो शून्य होता है। जब बैक ईएमएफ शून्य होगा तो आर्मेचर का प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होएगा। जब आर्मेचर का प्रतिरोध कम होएगा तो उस कारण क्या है, मोटर को सप्लाई से जोड़ेंगे तो वह करंट ज़्यादा लेगी। जब ज़्यादा करंट लेगी तो आर्मेचर में वाइंडिंग जल सकती है। तो स्टार्टिंग के समय अधिक करंट से बचने के लिए क्या है कि आर्मेचर के सीरीज़ में वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। जैसे जैसे मोटर की गति बढ़ेगी, जैसे जैसे मोटर की गति बढ़ती है वैसे वैसे रेजिस्टेंस को कम करते रहेंगे, क्योंकि मोटर की गति बढ़ने के साथ साथ बैक ईएमएफ उत्पन्न होने लगता है जो आर्मेचर धारा को कंट्रोल करता है। जो आर्मेचर धारा को कंट्रोल करने के लिए जो वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं उसे अपन डीसी मोटर स्टार्टर कहते हैं। इसकी अपन डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं। डीसी मोटर के आर्मेचर को सप्लाई से जोड़ते हैं तो सप्लाई से जोड़ने पर उसमें से विद्युत धारा अधिक फ्लो होगी। जब विद्युत धारा अधिक फ्लो होगी तो उस समय क्या होगा कि बैक ईएमएफ का मान शून्य होगा। तो उस समय आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। उस समय बैक ईएमएफ का मान शून्य होता है। जब बैक ईएमएफ का मान शून्य होगा तो क्या होगा, प्रतिरोध भी कम होएगा। जब प्रतिरोध कम होएगा तो उस समय क्या होगी, करंट ज़्यादा फ्लो होगी। जब ज़्यादा करंट फ्लो होगी तो आर्मेचर की वाइंडिंग क्या है, जल सकती है। तो अपन लिख लेते हैं, ईएमएफ का मान शून्य होगा तो आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। जब वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा कि जैसे जैसे मोटर गतिमान होगी
होती जाती है जाती है, वैसे 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 इस अतिरिक्त या वेरिएबल, इस वेरिएबल रजिस्टेंस, वेरिएबल रजिस्टेंस को हटाते जाते हैं। जब वेरिएबल रेजिस्टेंस को हटा जाएंगे तो क्या है कि जब मोटर गतिमान हो जाएगी, जब मोटर गतिमान हो जाएगी, गतिमान हो जाने पर बैक ईएमएफ उत्पन्न होने लगता है, जो आर्मेचर धारा को कंट्रोल करता है। आर्मेचर धारा को क्या करेगा? कंट्रोल करता है। यह वेरिएबल रेजिस्टेंस, यह वेरिएबल रेजिस्टेंस डीसी मोटर स्टार्टर कहलाता है। क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस डीसी मोटर स्टार्टर कहलाता है। क्या होता है कि जैसे अपने सपोज किया कि ये रेजिस्टेंस है, ये अपना हैंडल होता है, जैसे मान लिया रेजिस्टेंस ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है और ये भी 2 ओम का, जैसे अपन ने रेजिस्टेंस लगा रखा है। अभी ये क्या है, हैंडल ऑफ स्थिति में, तो ये क्या, इससे डिसकनेक्ट है, इसमें यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है। जब अपन सप्लाई को ऑन करते हैं तो ये हैंडल को क्या है, अपन घुमाते हैं, तो इस हैंडल को घुमाएंगे तो पहला ये रेजिस्टेंस पे लाएंगे, तो क्या होगा कि पहले ये रेजिस्टेंस पे लाएंगे तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो पीछे कितने बचेंगे, पहले तो होते हैं 8 रेजिस्टेंस। जब अपन सप्लाई को ऑन करते हैं, इसको हैंडल को घुमाते हैं, हैंडल को घुमा के फर्स्ट स्टार्ट पर लाते हैं, तो क्या होता है, 2 ओम होता है, 2 ओम से कम पीछे रह जाता है 6 ओम। तो अब फिर धीरे धीरे इसको घुमाते घुमाते इस ओम पे लाते हैं, तो ये 4 ओम तो ख़त्म हो गया, अब पीछे कितना रह गया, 4 ओम। फिर उसको घुमाते घुमाते इस पे लाते हैं, तो 6 ओम ख़त्म हो गया, पीछे रह गया 2 ओम। फिर इस हैंडल को घुमाते घुमाते यहाँ लाते हैं, यहाँ लाके क्या करते हैं, यहाँ पे ये एक NVC कॉइल बनी होती है, क्या होती है, NVC कॉइल बनी होती है, इस NVC कॉइल के ये हैंडल यहाँ पे आता है, तो इसके रेजिस्टेंस तो सारा ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पे आके ये हैंडल क्या है कि इस NVC कॉइल से ये क्या है, संपर्क में आ जाता है। संपर्क में आते ही क्या है कि ये हैंडल को NVC कॉइल है जो आकर्षित कर लेती है और इसको अपनी तरफ जकड़ लेती है, तो ये मोटर क्या है, स्टार्ट रहती है, अपनी एक फिक्स गति पर स्टार्ट हो जाती है। जब अपन सप्लाई को ऑफ कर देते हैं, जब सप्लाई को ऑफ कर देते हैं, NVC कॉइल में जो चुंबक बनता है वो हट जाता है, तो और वो इस हैंडल यहाँ से स्प्रिंग की तरह यहाँ से सप्लाई से हटके ये वापस ऑफ स्थिति में आ जाता है। अब ऑफ स्थिति में आ जाता है, वापस अपन को डीसी मोटर को स्टार्ट करना है, सप्लाई देंगे तो ये वापस स्टार्ट नहीं होएगा। ये क्या होगा, वापस अपन को क्या है कि स्टार्ट करते इसको हैंडल को घुमाना पड़ेगा, धीरे धीरे पहले 2 पिलाएंगे, फिर 2 पिलाएंगे, फिर इस पिलाएंगे, फिर आगे जाके इसको स्टार्ट पर रख देते हैं। यह होता है डीसी मोटर का स्टार्टर। अब डीसी मोटर के स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं, डीसी मोटर के स्टार्टर के प्रकार क्या होता है, एक तो होता है 2 पॉइंट स्टार्टर। क्या होता है, 2 पॉइंट स्टार्टर,
दूसरा होता है थ्री पॉइंट स्टार्टर, और तीसरा होता है फोर पॉइंट स्टार्टर। इसको हिंदी में कहते हैं दो बिंदु स्टार्टर, तीन बिंदु स्टार्टर और चार बिंदु स्टार्टर। अब अपन टू पॉइंट स्टार्टर के बारे में पढ़ते हैं, के बारे में अपन देखते हैं। जैसे ही चित्र में आपको दिख रहा है, इसमें क्या होता है कि टू पॉइंट स्टार्टर है जो केवल सीरीज मोटर में को स्टार्ट करने के लिए ही यूज लेते हैं। सबसे पहले क्या है टू पॉइंट स्टार्टर का यूज, इसका यूज क्या है टू पॉइंट स्टार्टर का, टू पॉइंट स्टार्टर का स्टार्टर का क्या यूज होता है, ये सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए काम आता है। मोटर को स्टार्ट करने के लिए ही यूज किया जाता है। टू पॉइंट स्टार्टर में क्या है, एनवीसी कॉइल ही होती है, एनवीसी कॉइल ही होती है। अब एनवीसी का मतलब क्या होता है, एनवीसी का मतलब होता है नो वोल्ट कॉइल। एनवीसी का पूरा नाम क्या है, नो वोल्ट कॉइल। इसमें क्या होता है कि इसके कनेक्शन में क्या होता है, दो टर्मिनल होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो एल होता है और एक ए टर्मिनल होता है। स्टार्टिंग के टाइम कनेक्टिंग आर्म जो होती है ये क्या होती है, ऑफ स्थिति में होती है, यहाँ पे होती है। कनेक्टिंग आर्म है जो स्टार्टिंग के समय क्या होती है, ऑफ स्थिति में होती है। जब मोटर को डीसी सप्लाई देते हैं तो क्या होगी, कनेक्टिंग आर्म स्टड एक पर आएगी, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी तो दो पे आएगी, तीन पे आएगी, चार पे आएगी, पाँच पे आएगी, और यहाँ पे ही क्या है कि सारे रेजिस्टेंस खत्म हो जाएंगे और ऑन स्थिति में कनेक्टिंग आर्म आ जाती है। धीरे धीरे क्या है कि रेजिस्टेंस घटते रहेंगे और आर्मेचर की घूर्णन गति क्या है, बढ़ती जाएगी। आर्मेचर पूर्ण गति प्राप्त कर लेता है तो स्टार्टिंग के समय सर्किट है जो रेजिस्टेंस को बाहर कर देता है, और इस स्थिति में क्या होती है, एनवीसी कॉइल है जो कनेक्टिंग आर्म को जकड़ लेती है या होल्ड कर लेती है। उस समय क्या है, रेजिस्टेंस सारे अलग हो जाते हैं, तो इस समय क्या मोटर चलती रहती है। जब विद्युत सप्लाई ऑफ हो जाती है तो विद्युत सप्लाई ऑफ होने के बाद क्या होगी कि ये जो एनवीसी कॉइल है ये इसका कनेक्टिंग आर्म को क्या है, यहाँ से हटा देती है। हटा के ये क्या है, कनेक्टिंग आर्म ऑफ स्थिति में आ जाती है। जब ऑफ स्थिति में आ जाती है, अगर अपन को वापस मोटर को ऑन करना है, जब मोटर को ऑन करना है तो क्या है, ये खटका ऑन करते ही ऑन नहीं होगी, इसको वापस क्या है कि ऑफ स्थिति से क्या है, वापस एक इस पे एक स्टार्ट पे लाना पड़ेगा, दो स्टार्ट पे, यूँ धीरे धीरे रेजिस्टेंस कम करते रहेंगे और मोटर की घूर्णन गति क्या है, बढ़ती रहती है। इससे क्या है कि यहाँ वापस आके एनवीसी कॉइल इसको क्या है, जकड़ लेती है, तो इससे मोटर चालू हो जाती है। तब और वापस सप्लाई ऑफ करने पे ये ऑफ स्थिति में आ जाती है। एनवीसी कॉइल का इसमें काम क्या होता है अपन देख लेते हैं कि एनवीसी कॉइल क्या है, एक विद्युत चुंबक होता है जो कनेक्टिंग आर्म को होल्ड कर कर रखता है। कब रखेगा, ऑन की स्थिति में कनेक्टिंग आर्म को होल्ड करके रखता है, एनवीसी कॉइल का काम होता है। अब इसमें क्या होता है कि टू पॉइंट स्टार्टर में ओएलसी कॉइल जो होती है उसको काम नहीं लेते अपन, टू पॉइंट पॉइंट स्टार्टर में सिर्फ एनवीसी कॉइल ही काम में ली जाती है। और ये क्या है, डीसी मोटर, डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर को काम में लिया जाता है। अब अपन पढ़ते हैं थ्री पॉइंट स्टार्टर का यूज अपन करते हैं शंट और कंपाउंड मोटर को चालू करने के लिए। कहाँ यूज लेते हैं इसका, यूज कहाँ होता है, शंट व कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए थ्री पॉइंट स्टार्टर का यूज लेते हैं। इसके अंदर भी टू पॉइंट स्टार्टर वाली वर्किंग है जैसे डायग्राम में दिया, पर इसमें तीन बिंदु होते हैं, एक तो लाइन का होता है, एक फील्ड का होता है, एक आर्मेचर का होता है। इसमें तीन पॉइंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो लाइन का होता है, एक फील्ड का होता है, एक आर्मेचर का
होता है। इसमें क्या है कि डीसी सप्लाई को ऑन करेंगे, सप्लाई को ऑन करेंगे तो वही है कि कनेक्टिंग आर में जो ऑफ स्थिति में होती है, धीरे धीरे इसको चालू करते हैं तो ये स्टार्ट फर्स्ट पर आता है, सेकंड पर आता है, थर्ड पर आता है, फोर्थ पर आता है, फिफ्थ पर आता है। जैसे जैसे स्टार्ट कनेक्टिंग आर्म को बढ़ाते जाते हैं, घुमाते जाते हैं, प्रतिरोध कम होता रहता है और मोटर की गति क्या है, बढ़ती रहती है। जब आर्मेचर मोटर की गति बढ़ेगी तो क्या होगा कि आर्मेचर पूर्ण गति प्राप्त कर लेता है तो ऑन की स्थिति में आ जाता है। जब ऑन की स्थिति में आएगा तो सर्किट में से सारे प्रतिरोध हट जाते हैं और NVC कॉइल इसको जकड़ कर रख लेती है। इसमें क्या है कि 9 वोल्ट कॉइल का तो मैंने आपको यूज बता ही दिया था, इसमें एक OLC कॉइल भी लगती है, ओवरलोड कॉइल। OLC का मतलब क्या होता है, OLC का ओवरलोड कॉइल। इसमें ना 3 पॉइंट स्टार्टर में ओवरलोड कॉइल भी लगती है और NVC कॉइल भी लगती है। इसमें क्या है कि मोटर जो है खुद स्वतः चालू नहीं होती, इसको वापस ऑन करने के बाद ही चालू होती है। इसमें क्या होता है कि शंट फील्ड वाइंडिंग है जो क्या होती है कि स्टार्टिंग प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है और जो NVC को शंट मतलब है NVC है जो शंट फील्ड और स्टार्टिंग प्रतिरोध के क्या श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। जब कनेक्टिंग आर्म को स्टार्ट ऑन करते हैं तो घुमाने पर प्रतिरोध में आर्मेचर में स्टार्टिंग प्रतिरोध का मान क्या घटता रहता है और शंट फील्ड प्रतिरोध का मान बढ़ता जाता है। इसमें क्या है कि मोटर की गति बढ़ाने के लिए फील्ड वाइंडिंग में एक वोल्टेज रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं, उस जिसके कारण उसका प्रतिरोध क्या है बढ़ाया जाता है। शंट फील्ड का मान बढ़ाने के लिए NVC में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा का मान घट जाता है, उस समय क्या होती है मोटर ट्रिप हो जाती है। इस स्थिति में क्या है कि जो 3 पॉइंट स्टार्टर है उसमें एक फॉल्ट आ जाता है। इस फॉल्ट को दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं कि 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं। अब अपन 4 पॉइंट स्टार्टर का बारे में देखते हैं फोर पॉइंट स्टार्टर भी 3 पॉइंट स्टार्टर की तरह ही होता है। यह भी शंट मोटर और कंपाउंड मोटर में यूज होता है। 4 पॉइंट स्टार्टर इन दोनों की वर्किंग सेम होती है। इसमें क्या होता है 3 पॉइंट में 3 पॉइंट होते हैं और 4 पॉइंट में 4 पॉइंट होते हैं, जैसे L1, L2, F और A। F है फील्ड शंट फील्ड का और A है आर्मेचर का और दही लाइन। अब इसमें क्या होता है, फ़र्क ये होता है 3 पॉइंट और 4 पॉइंट में। 4 पॉइंट में क्या होता है कि NVC कॉइल जो होती है, NVC कॉइल के सीरीज में एक प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया कर देते हैं जो कि सीधा सप्लाई से कनेक्ट होता है। इससे क्या होता है कि NVC पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और मोटर की गति है जो सही रहती है। गति बढ़ाने के लिए ही अपन प्रोटेक्टिव रजिस्टर को काम में लेते हैं। ये अपन ने DC मोटर के स्टार्टर के बारे में पढ़ा था। अब अपने को DC मोटर का वर्गीकरण देखना है तो नीचे दी गई लिंक को आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। और अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।